अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं भाई गुलिस्तान जौहर में, और अभी हम लोग जा रहे हैं कराची कनाल। यहाँ पे इससे पहले मेरा कोई टूर नहीं लगा, और अभी हम काफ़ी टाइम बाद जो है शहरयार भाई के साथ। शहरयार भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन। कहाँ लेके जा रहे हैं फिर आज? कराची कनाल ले जा रहे हैं। लेके जा रहे हैं? मैंने कहा कि पहले से स्लोगन बना ले, आओ मेरे नाल कराची कनाल, आओ मेरे नाल कराची कनाल। वाह 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 वाह, तो मज़ा आने वाला है फिर आज इंशाल्लाह। चिकन कढ़ाई फिर कौन बनाएगा आज? आप रहेंगे। और भाईजान ये भाई हमारे साथ हैं, आपने डॉक्टर साहब हैं, आज ही पता चला कि ये डॉक्टर हैं भाई। और मज़ा आज फिर चलते हैं फिर, और कढ़ाई वगैरह बनाते हैं और जगह को एक्सप्लोर करते हैं। बाकी हमारे साथ भाई हैं फराज भाई। फिर फराज भाई हमें गवादर टूर में मिलते हैं, और आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम जो है फरहान भाई ने कोलैबोरेशन की। फरहान भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। चलें भाई, तो अभी बस यहाँ से निकलते हैं। अभी असल में हम वेट कर रहे हैं मिशकात भाई का, जो सबसे बड़ी जो सेलिब्रिटी है, जैसे ही आएंगे तो इंशाल्लाह फिर उनके साथ फिर हम निकलेंगे। फिर हम रास्ते में नाश्ता भी करना है, नाश्ता भी नहीं किया, तो चल के फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिर आओ मेरे नाल। क्या मिशकात भाई जो है ना गाड़ी मार के ले आए, और अब यहाँ पे जो है बम्पर जोड़ने की कोशिश की। मिशकात भाई कल बाबर में बैठे थे, मिशी गैंग क्या कह रहा है? मिशी गैंग ये बोल रहा है बाबर भाई को यहाँ नहीं बैठाओ, उस तरफ बैठाओ ताकि वहाँ का टूटे। चलें फिर रेडी। तो भाई हमारा सफर हो चुका है शुरू, अब हम यहाँ से जा रहे हैं जी। एक हमारा ऑप्शन है, या तो हम लोग जाए गुज्जू वाटर स्टेशन जो है, वाटर पंपिंग स्टेशन जो है, और दूसरा जो है वो वाटर कैनाल है। तो दोनों में से देखते हैं कौन सी जगह हमें ज्यादा बेहतर मिलती है। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करेंगे, और नाश्ता करके फिर अपना सफर हम शुरू करेंगे। क्यों मुश्किल थी? सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहा हूँ, सही फरमा रहे हैं आप ये, मगर मुन्ने ने लेट कराया हमें। भाई आ गए मिश्कात भाई, क्या नाश्ते में क्या 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 इकराम करें नाश्ते में आपका? आप क्या खिलाएंगे? हम आपको खिलाएंगे दहकती हुई पूरियां। ओए ओए भाई, नाश्ते का इंतजाम हो रहा है, नाश्ता आता है, नाश्ता करके और फिर सीधा गुज्जू। फरहान भाई किस नाम का चैनल है आपका? पाकिस्तान विद फरहान अली। पाकिस्तान विद फरहान अली जी, मैं आपको बहुत बुलंदियों में देखना चाहता हूँ इंशाल्लाह। बाबा कब होंगे आप बुलंदी पे, कब पहुँचेंगे? बस आपकी दुआ रहेगी तो जरूर हो जाएंगे इंशाल्लाह एक दिन। मैं चाहता हूँ आपके 1,00,000 सब्सक्राइबर बहुत जल्द हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करें। भाई यहाँ से हम ले रहे हैं 2 किलो मुर्गी, जो के है 660 रुपए। अब यहाँ से मुर्गी लेके हम लोग जाएंगे, और वहाँ बनेगी चिकन कढ़ाई अच्छी बनेगी। ये देखें हार्ट शेप में मुर्गी देखी हो जाए। 50 रुपए किलो टमाटर खरीदे हैं भाई से। भाई क्या नाम है? हैं फुरकान भाई, 1 किलो टमाटर, 2 किलो कढ़ाई के लिए कितने टमाटर होने चाहिए? बहुत है, पक्की बात है, आपकी जुबान पे ले लें बस ये। और आधा किलो प्याज, और उसके बाद हरी मिर्च, धनिया, भिंडी नहीं ने ले लिया। क्या बिल बनाया है फुरकान भाई, जल्दी बताएं क्या डिस्काउंट मिल रहा है हमें? सर जी 230 रुपए हो गए। 200 रुपए देंगे, सही है? मान गए। चलो भाई आ जाओ, हमने शान के ले लिए भाई से। ये कितने के भाई जान? यार अभी इसकी नई कीमत 100 है, आप 90 190 180 ये ले। ये जा रहे हैं मसाले, और वो जा रही है आगे मुर्गी। क्या आग अंदर से निकालो। देखें जी हम लोग पहुंच चुके हैं, ये कहाँ पहुंच चुके हैं शहरयार भाई, क्या सीन है? कराची कनाल है ये। गुज्जू पंपिंग स्टेशन से ये पानी यहाँ पे आ रहा है, गुज्जू पंपिंग स्टेशन से पानी यहाँ पे आ रहा है, आगे जाएगा ये धाबे जी पे, और वहाँ पे फिल्टर होता है, फिर कराची को सप्लाई होता है। तो ये पानी तो हम लोगों को मिल नहीं रहा है, ये सारा पानी के टैंकरों में ही जा रहा है, मुझे लग रहा है वही है ना ये। बताए ना लोगों को, लोगों की आंखें खोले। ये देखे भाई इतना पानी है, साफ पानी। ये देखें आपको करीब से दिखाता हूँ, ये देखे मैं अंदर भी आपको पानी के अंदर उतर के दिखाता हूँ। ये देखें आप छोटे सारी बातों को, ये देखें आप अंदर पानी कितना साफ देखा आपने, मगर ये मिल नहीं रहा हमें। देखिए पानी पानी, लेकिन ये पानी सब टैंकर की नजर हो रहा है। पीछे भी है बाबरा, एक और सिर्फ यही नहीं है, अच्छा उसके पीछे एक और नहर गुजर रही है, एक और भी नजर भी है वो देखे आपको दिखा, अंदर भी जाके देखो। आए आपको दिखाते हैं, ये दोनों हमारी गाड़ियां खड़ी है। यहाँ पे अभी होगी कुकिंग, लाइव कुकिंग, लेकिन यहाँ शोतनबुर्ग नहीं बनेगा आज। ये जगह, ये स्पॉट है, ये स्पॉट है।
तो बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इतनी खामोशी है कि अभी मैं थोड़ी देर के लिए खामोश होंगे तो आप सुनिएगा यहाँ पे कितना जबरदस्त जो है ना चरिंद परिंद की आवाज है। ये है भाई मछलियां नजर आ गई हैं लोगों को, ये देखें आप, ये देखें एक मछली और निकल भी दोबारा निकल कहाँ गई पतीले निकल रहे हैं यहाँ से, चादरें वादरें पिछ रही हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे अब कढ़ाई होने लगी है तैयार, चिकन कढ़ाई होगी तैयार यहाँ पर। इस मुन्ने ने लेट कराया ना महाराज, नहीं करवाया यहाँ पे चादर बिछाते हैं अभी, ये चादर बिछाओ। तजुर्बा कर रहे हैं या खिला रहे हैं? नहीं नहीं भाई, आपका भाई एक्सपर्ट शेफ है भाई, व्लॉग बना रहे हैं या कढ़ाई बना रहे हैं? कढ़ाई भी बन रही है, व्लॉग भी बन रहा है, दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं। इसमें है जी क्या क्या चीजें हम लाए हैं आपको दिखाते हैं। ये क्या है जी? अभी सामान निकल रहा है जी। वाह वाह यार ये सही लग रही है वैसे मुझे। अबे छुरी इसमें भी है, छुरी इसमें भी है, छुरी उसमें भी है। वाह वाह ओहो देख रहे हैं आप, ये भी है, ये देखिए देख रहे हैं पिटाई के लिए। खूब जमेगी जब मिल बैठेंगी छुरियां। दो भाई अच्छी तरीके से धो देना भाई इंशाल्लाह। भाई यार ये इसके अंदर आपने ये हाथ भी यहाँ पे हमारे पास आ गया है, टमाटर हरी धनिया हरी मिर्च। भाई काटना आता है आपको? बाबर भाई कोशिश कर लेते हैं। कभी घर में कोई पकाया नहीं? कभी कुछ नहीं पकाया। ये क्या बात हुई यार, ये तो गलत बात है, आनी चाहिए ना यार चीजें। आप दोनों में से किसको खाना पकाना आता है? आपका क्या है भाई? खाना आता है आप भी हट जाओ। हाँ जी आपका क्या है? आपको खाना बनाना आता है भाई? खाना तो हमें भी आता है बाबू भाई, खाना तो हमें भी आता है। खाना नहीं पकाना, ये बोला है इन्होंने, खाना आता है तो तभी तो हटा दिया। बाबू उसको पकाना आता है, पकाना आता है, वो लग भी रहा है। बहू के हाथों में जादू है, बहू के हाथों में जादू। ट्राई करेंगे स्विमिंग की। हाय 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 क्या मजे का। बाबर भाई आग लगाने का काम आप खुद कर लेते हैं किसी से करवाते हैं? जब थोड़ी बहुत लग जाए तो लगा लेते हैं, नहीं कम हो रही हो तो फिर हम लगाते हैं। ये देखिए जी अभी हम लोगों ने सिलेंडर के ऊपर रख दिया गया है और अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल, ऑयल के बाद डालेंगे प्याज, फिर उसके अंदर हम फ्राई करेंगे चिकन और चिकन के बाद फिर मसाले जात और टमाटर और हरी मिर्च डालने के बाद फिर ये लोग आपको बताएंगे कैसा बना है, कैसा बना है। ओहो जी अब डल रहे हैं ऑयल, खालिस ऑयल, थोड़ा ऑयल ज़्यादा हो जाए मसला तो नहीं है ना, तो वैसे डाल देते हैं सारा ही डाल देते ताकि ये वेस्ट ना हो जाए और हम सारा ही ऑयल जो है इसमें अब यूज कर लेते हैं। हल्की सी ढलान है वैसे यूं इस तरफ, थोड़ा सा रुख जो है ना कराची की तरफ है। यार भाई इसका आप बैलेंस पहले कर ले, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे वो थोड़ा सा आउट हो गया। डालने लगा है प्याज, ये देखिए प्याज डालने लगा है। कोई पिछले आधे घंटे से जो है ना प्याज ब्राउन हो रही है, लेकिन वो ब्राउन हम लोग ब्राउन हो गए हैं प्याज ब्राउन होने का नाम नहीं। क्या चक्कर है भाजी, क्या है ये? असल में हवा बहुत तेज है, हैं? जिसकी वजह से जो है गैस सस्टेन नहीं कर पा रही। हाँ ये देखो वैसी की वैसी लग रही है मुझे तो यहाँ पे। अभी तो मैं सोच रहा था और प्याज डाल दूं, लेकिन इसको देख के अब लग रहा है कि एसी में काम चलाना पड़ेगा भाई, प्याज का कोई सीन नहीं बन रहा, अभी भूखे पेट जाना पड़ेगा लग रहा है अभी। बड़ी मुश्किलों के बाद जितनी देर में बकरा बन जाता ना उतनी देर में जो है ये गर्म हुआ है। अब इसमें टमाटर डालें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या अल्लाह इसमें जायका डाल देना खुद ही। अब हमसे तो ना हो पाए, हम तो यहाँ चादरों में आ गए हैं, थोड़ी देर नहीं है और नहीं पकाना तो चादर डाल के यहाँ पे मांगने लग जाएंगे खाना ही दे दो भाई हमें। या अल्लाह खैर फरमा,
ऐसा नहीं खाऊ, इसको पका दे धूप में पका दे। बड़ी मुश्किलों से हमने बड़ी ये सर जोड़ के बैठे, हम दोनों सर जोड़ के बैठे, हमने फैसला किया कि मुर्गी डालें या ना डालें। मैंने कहा भाई मुर्गी डाल दो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह इसे बरकत देगा, खुद पकेगी ये, मतलब जायका मिलेगा कि नहीं। जायका मिलेगा, जायका ऐसा नहीं हो सकता, बरकत तो ही जाएगी, अगर जायका नहीं हुआ ना तो खाएगा तो वही नहीं। अरे जायका देखें इसमें ऐसा होगा, भूल जाएंगे दुनिया की सारी बातें, आंसू पोंछ जाएंगे, ये जो आपने इंतजार किया है ना ये सब जाया होने वाला है। ये जाने वाली है इस मुर्गी के अंदर, ये देखिए बिस्मिल्लाह, वाह बजी वाह, मजा ही आ गया। ये देखिए लजीज बनने वाली है कि आप नेक्स्ट टाइम से मुझे ढूंढेंगे, आप गली गली में निकल जाएंगे, इससे बोलेंगे बाबर भाई ये कढ़ाई बनाई कैसे थी। वाह जब कहीं जाए ना तो कोशिश करें मसाला जात ना पकड़े बहुत सारे साथ, ये पैकेट के मसाले कंपनी के आ जाए, नाम नहीं दूंगा कंपनी की, मुफ्त की मशहूरी नहीं करनी। आशान का नाम मत लीजिएगा, आशान का नाम बिल्कुल नहीं लेना किसी ने भी ना। अच्छा वैसे बनता है सबका अच्छा जबरदस्त उसी से है। हाँ किससे, उसका नाम ईशान, ईशान का नहीं बताना, ये भी नहीं बताना ईशान के मसाले, ये भी नहीं, ये मक्के नहीं पकड़े। ये देखिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज ये आपको जो मजा आने वाला है ना, हाय 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 मैं कहता हूँ, ओए होए वो देखिए तैयार हो गया ना। पिशकात भाई बोल रहे हैं कि मैं पानी के अंदर जाके आपको पूरा नीचे जो है गायब होके जमीन तक जाएंगे, जमीन तक जा रहा हूँ भाई। तकरीबन ये 30 से 40 फीट पानी है यहाँ पे, ये रस्सी बांधी हुई है, ये रस्सी की वजह से जो है ना ये रुके हुए, अगर रस्सी छोड़ दी ना तो ये यूं कराची के नलकों में निकलेंगे। और ये बता रहे काफी लोग यहाँ पे डूब भी चुके, डूब भी चुके हैं, काफी लोग डूबते रहते हैं। और यहाँ पे बंगू भी है, बंगू, बंगू कौन है, मगरमच्छ, मगरमच्छ है यहाँ पर। चले बाबरो ये दारो नीचे, चले चले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या अल्लाह हिफाजत करना, या अल्लाह मदद करना। बताओ भाई रस्सी ना आप पकड़े रहना सही है, मैं बिल्कुल कस के पकड़ लिए बस मैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अबे मिशकात भाई रस्सी छू, ये देखें जी कढ़ाई तैयार, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त कढ़ाई तैयार, डाल दें प्लेटों में फिर, बिल्कुल डाल दे जी इस पर, तैयार इस पर डाल दीजिए फिर। कितनी से आ रही है, नीचे से आ रही है, कहाँ से आ रही है, एक और फोन है आपके पास। अबे हमारा आ गया सालन बन चुका है और अभी खा के आपको देते हैं खाने का रिव्यू। वाह फरहान भाई कैसा रहा फिर आज, मजा आया भावरी? बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया, एंजॉय किया। और पूरे इस जर्नी में सबसे जबरदस्त जो है वो कढ़ाई है, हाँ? आपने और फराज ने मिलकर बनाई है, ये मजा आ गया, ये बात हम मुन्ना बहुत जबरदस्त, मजा आ गया, बहुत मजा आया। मिशकात भाई कैसा रहा? यार भाई क्या क्या रिपोर्ट है बारे में, ये कहूंगा अकेले ना खाना मुझे छोड़ कर, खाना लगा कैसा आपको? एकदम औसम रापचिक भाई, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जगह तो बहुत औसम थी लेकिन बाबर भाई की कढ़ाई ने इसमें चार चांद लगा दिए। कढ़ाई मेरी, मैंने और इन्होंने मिलके बनाई है। के सेठ कैसा लगा? जबरदस्त मजा आ गया आज बाबर भाई, बहुत जबरदस्त लजीज आपने बनाई है, और इधर आके पूरे ग्रुप के साथ मजा ही आ गया, एंजॉय किया, बहुत एंजॉय करा आपने देखा। चले चले अल्लाह ताला आपको और एंजॉय करवाए। तो भाई इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह और किसी पिकनिक में और किसी नई डेस्टिनेशन पे इंशाल्लाह आप लोगों को लेके चलेंगे, आप लोग और ट्रेवल कराएंगे, क्योंकि अभी ट्रेवल पे हमने पूरा फोकस किया हुआ है आजकल, खाने के साथ ट्रेवल और कोई ना कोई नई चीज लेके हम मार्केट में उतरेंगे। तो इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।